हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पर मोदी सरकार को लगाई फटकार, कहा लोकतंत्र की जगह भीड़तंत्र नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बढ़ गई मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर केंद्र और राज्य सरकारों को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र की जगह भीड़तंत्र नहीं ले सकता और इससे निपटने के लिए सरकारें अलग कानून बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी और सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला के द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कही। पूनावाला ने गोरक्षा के नाम पर भीड़ द्वारा की जा रही हिंसा को रोकने के लिए याचिका दायर की थी, जबकि तुषार गांधी ने अपनी याचिका में कहा था कि राज्य सरकारें इस मामले में शीर्ष अदालत द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं। अदालत ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 28 अगस्त मुकर्रर की है। गोरक्षा के नाम पर होने वाली मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर कड़ा नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता, चाहे वो भीड़ क्यों ना हो। कोर्ट ने राज्यों को सख्त आदेश दिया है कि 4 हफ्ते में निर्देश लागू करें सरकारें, साथ ही संसद इसके लिए कानून बनाए। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एम खानविलकर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि विधि सम्मत शासन बना रहे यह सुनिश्चित करते हुए समाज में कानून व्यवस्था कायम रखना राज्यों का काम है। उसने कहा, कोई भी इंसान कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, वे अपने आप में कानून नहीं बन सकते। इसके पहले जुलाई में भी शीर्ष अदालत ने कहा था कि भीड़ द्वारा हो रही हिंसा, चाहे वह गोरक्षा के नाम पर हो रही हो या किसी और वजह से, को रोकना राज्यों की जिम्मेदारी है। सितंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए राज्यों के प्रत्येक जिलों में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियुक्त करने की बात कही थी। इसके बाद जनवरी में कोर्ट ने 3 राज्य सरकारों से पूछा था कि उन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार।